नमस्कार। किसान धरती पुत्र ऐसे नहीं कहे जाते। कृषि कानूनों के विरोध में वो अपने राज्यों से दूर जमीन के मिले छोटे से हिस्से में ही चूल्हे पर रोटी सेकते, चाय बनाते, कपड़े सुखाते नजर आ जाएंगे। वे अपने ट्रैक्टर ट्रॉली में महीनों का राशन लिए डटे हुए हैं। वे खाना खाते कम, बांटते हुए दूसरों को खिलाते ज्यादा नजर आ रहे हैं। दरअसल 4-5 दिन से चल रहे किसान आंदोलन के लिए आज अहम दिन है। आज उनके नुमाइंदों और सरकार के बीच राजधानी दिल्ली के विज्ञान भवन में बातचीत चल रही है। हालांकि बातचीत 3 दिसंबर को होनी थी, लेकिन प्रदर्शन के बढ़ते दायरे और संख्या बल के दबाव के कारण आज 2 दिन पहले ही 3 बजे से बैठक शुरू हुई है। करीब 35 नुमाइंदों से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल, सोम प्रकाश शामिल हैं और पहले राजनाथ जी के भी शामिल होने की बात थी, लेकिन अब नहीं, वो इसमें शामिल नहीं है। तो आइए अपने सहयोगी जो सुबह से ही इस बैठक पर नजर बनाए हुए हैं, दोपहर से जब से शुरू हुई है, उनके पास चलेंगे। हमारे साथ मुझे बताया जा रहा है सौरभ शुक्ला मौजूद हैं, हिमांशु शेखर मौजूद हैं, मुकेश सिंह सिंह भी बताया जा रहा है हमारे साथ मौजूद हैं। सौरभ, आप ही बताइए, आप कुछ जानकारियां दे रहे हैं कि कुछ समिति बनाने की बात है, जो किसान कह रहे हैं कि अब एक समिति बनाने का समय नहीं है। किस तरह से बैठक आगे बढ़ रही है? जी बिल्कुल, सबसे पहले जब निधि बताएं, जब 3 बजे बैठक शुरू हुई तो सरकार की तरफ से पीयूष गोयल अंदर मौजूद हैं, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मौजूद हैं और उनके साथ में सोम प्रकाश जो कि तीसरे मंत्री मौजूद हैं। इनको पहले शुरुआत में इनको एपीएमसी पे और पूरी प्रेजेंटेशन दी गई कृषि कानूनों को लेकर के समझाया गया मंत्रियों की तरफ से, और फिर किसानों को प्रस्ताव दिया गया कि देखिए आप लोग तैयार नहीं है मानने के लिए, ऐसा करते हैं कि कुछ आप अपने ऑर्गेनाइजेशन से 4-5 लोगों को नॉमिनेट करिए, आप बताइए कि आपके किसान हो, 4 किसान नेता हो, इसके अलावा एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स जो कि कृषि के जानकार लोग हैं वो रहे, इसके अलावा कुछ जो सरकार के ब्यूरोक्रेट हैं, इसमें संजय अग्रवाल कृषि सचिव हैं वो भी रहे, तो एक कमेटी बना ली जाए, उसके बाद में जो तमाम मांगे हैं उसको लेकर के साथ में विचार किया जाए और जो सही चीजें हैं उसको लेकर के आगे बढ़ा जाए, जिसको किसानों ने सिरे से खारिज कर दिया। किसानों ने कहा कि अगर आपको यही करना था तो आप कानून बनाने से पहले आपने हमसे चर्चा क्यों नहीं की, क्यों आप तब नहीं आए हमारे पास, अब आप कह रहे हैं कमिटी बना देंगे, जो आपको कानून बनाने से पहले करना चाहिए वो आप क्यों कर रहे हैं। तो किसानों ने ये बोलते हुए ये प्रपोजल रिजेक्ट किया है। फिलहाल अंदर बातचीत चल रही है, लगभग 3 घंटे हो गए निधि, किसान लगभग 35 किसान नेता अंदर हैं, सब अपनी अपनी बात रख रहे हैं। तो प्रमुख बात इनकी किसानों की यही है कि अगर आप बातचीत करने की बात करें, बातचीत करने का मतलब नहीं, हमारी मांग है कि आप तीनों किसान कृषि कानून रद्द कर दीजिए, एमएसपी को लीगलाइज कर दीजिए। अगर ये आप कर देते तो हमें यहाँ दो महीने से पंजाब में हम आंदोलन कर रहे थे, आपने हमारी नहीं सुनी, लेकिन जब हम यहाँ बॉर्डर तक पहुंच गए तो आज आपने हमें बात करने के लिए बुलाया और आप फिर कह रहे हैं कि आप कमेटी बनाएंगे, फिर बातचीत करेंगे, तो ऐसा समय निकलता जाएगा और आपकी मंशा नहीं लगती है कि आप इस तीनों कृषि कानूनों को वापस लेंगे और इसके अलावा एमएसपी को लीगलाइज करेंगे। फिलहाल गतिरोध की स्थिति बनी हुई निधि, ऐसा लगता नहीं है कि आज इस मीटिंग से कुछ निकलेगा। बिल्कुल, आप कह रहे हैं आपको लगता नहीं इस बैठक में कुछ निकलेगा, लेकिन ये बातचीत 2 दिन पहले ही हो रही है। हिमांशु शेखर हमारे साथ मौजूद हैं। हिमांशु, 3 तारीख को होने वाली थी लेकिन अब ये 1 तारीख को हो रही है, जाहिर तौर पर सरकार दबाव में है और सरकार बात करती हुई दिखना भी चाहती है, भले ही हम ज्यादा आशा ना रखें, बट क्यों भी ना रखें, हो सकता है सरकार इसका बीच का कुछ हल निकाले। आपके इर्द गिर्द किस तरह की चर्चाएं चल रही है इस बैठक को लेकर? सरकार दबाव में है, बात कर रही है, लेकिन कितनी आगे बढ़ सकती है, क्या निकल सकता है इससे? देखिए, बहुत मुश्किल सवाल है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने भारतीय किसान यूनियन एकता ग्राहक के जो नेता हैं रूप सिंह, उनका एक छोटा इंटरव्यू किया है। उन्होंने कहा कि देखिए, जो पहली दौर की बातचीत हुई थी कृषि सचिव संजय अग्रवाल के साथ, उस बैठक में ही पहली बार सरकार की तरफ से ये सुझाव रखा गया था कि एक विशेष समिति का गठन किया जाए और समिति जो है वो सिलसिलेवार तरीके से जो भी डिमांड्स हैं, चिंताएं हैं, डर है, आशंकाएं हैं किसान संगठनों की, नेताओं की, किसानों की, उनको एड्रेस करने के लिए एक इंस्टीट्यूशनल तरीके से एक बातचीत की प्रक्रिया को शुरू की जाए। लेकिन उसी पहली दौर की बैठक में जो करीब 1 महीने पहले हुई थी, उसमें रिजेक्ट कर दिया था किसान संगठन के नेताओं ने। उसके बाद 13 नवंबर को ठीक इसी जगह पर निधि, मैंने उस मीटिंग को कवर किया था, 7 घंटे से ज़्यादा वो बैठक चली थी जो दूसरे दौर की बातचीत थी। उस बैठक में भी ये प्रस्ताव पर चर्चा हुई थी कि विशेष समिति बनाना एक बीच का रास्ता हो सकता है, क्योंकि अंतर विरोध जो है सरकार के स्टैंड में और किसान संगठनों के स्टैंड में वो इतना ज़्यादा है कि वो एक बैठक में या दो बैठक में दूर हो सकता है, इसकी संभावना बहुत कम है, और इसलिए सुझाव विचार उस वक्त हुआ था। लेकिन किसान संगठनों की तरफ से ये कहा गया कि हमारी जो मुख्य मांगे हैं कि आप तीनों कानून खत्म करें,
लीगल गारंटी दे, एमएसपी का नया कानून बना के वो लीगल गारंटी किसानों को दी जाए, और जो पराली के लिए जो पेनल्टी लगाई गई है वो जो 5 करोड़ की पेनल्टी है और सजा का प्रावधान है उसको खत्म किया जाए। जब तक इस तरह की जो हमारी मुख्य मांगे हैं उनको आप स्वीकार नहीं करते तब तक हम अपने एजिटेशन को वापस नहीं लेंगे। ये मैसेज सरकार को, पीयूष गोयल को और नरेंद्र सिंह तोमर को 13 नवंबर को ही दिया गया था। 3 हफ्ते बाद एजिटेशन का जो दायरा है वो दिल्ली से बाहर फैल चुका है, और हमने देखा है कि न सिर्फ पंजाब, आज में महाराष्ट्र के भी से भी नेता यहाँ पर आए हैं और उन्होंने धमकी दी है कि 3 तारीख को महाराष्ट्र में भी आंदोलन शुरू होने वाला है। तो जो किसान संगठन है वो लामबंद हो रहे हैं, और मुझे लगता है कि सरकार की चिंता, सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा है, और जब तक कोई नया प्रस्ताव लेकर सरकार नहीं आती किसान संगठनों के सामने तब तक जो बीच का रास्ता निकालने की जो एक उम्मीद, एक कवायद, एक कोशिश चल रही है पिछले 3-4 हफ्ते से, वो निकलने की उसके आसार बहुत कम फिलहाल दिखाई देते हैं। निधि, बिल्कुल, हमारे साथ मुकेश सिंगर भी बने हुए हैं, उनके पास जाऊंगी क्योंकि वो मुकेश एक ऐसी जगह पे मौजूद हैं जिनके आसपास तमाम किसान मौजूद हैं। सौरभ से एक सवाल, में सौरभ जिस तरह से हिमांशु भी कह रहे हैं कि कोई हल निकलता हुआ, आप भी कह रहे हैं आज की बैठक में कुछ हल निकलता हुआ या रास्ता निकलता हुआ मुश्किल ही है, लेकिन चिंताएं क्या है सरकार की, सरकार क्यों दबाव में है? अब यूपी के भी कहा जा रहा है किसान इतने आ रहे हैं, 7 बजे एक और दल की बैठक भी बताई जा रही है शायद, तो क्या ये किसानों का ये दबाव बढ़ेगा या सिर्फ पंजाब या हरियाणा के हम कहकर, यूपी का कुछ, वेस्टर्न यूपी के कुछ किसान के नेताओं का एक ग्रुप कहकर इसको छोड़ सकते हैं कि सिर्फ इन लोगों की ही, कुछ लोगों की बस विरोध प्रदर्शन है? सौरभ, उनको जागरूक किया जाता रहा, तमाम जो नेता हैं वो यही कहते रहे कि जो बीजेपी के नेता थे हम जागरूक कराएंगे, इनको बरगलाने की कोशिश है, इनको कृषि कानून समझ में नहीं आए, लेकिन इनको ये उम्मीद नहीं थी कि ये दिल्ली तक पहुंच जाएंगे। इनको था कि शायद ये हरियाणा में रोक लेंगे, और किसानों को भी नहीं लगा था कि वो दिल्ली तक पहुंच जाएंगे, लेकिन जब ये हो गया है तो ऐसे में काफ़ी क्राउड मोबिलाइजेशन होने लग गया, और जो टीयर गैस शेलिंग हुई, इनके ऊपर लाठी बरसाई गई, पानी की बौछारें हुई, इससे कहीं ना कहीं जो किसान संगठन जो दूसरे इनके साथ आंदोलन में नहीं थे वो भी जुड़ते चले जा रहे हैं। तो ऐसे में सरकार के ऊपर जाहिर सी बात है निधि दबाव है। इसके अलावा जैसे महाराष्ट्र के किसानों की बात कर रहे हैं, राजस्थान के किसानों की बात है, मध्य प्रदेश के किसानों की बात है, और सब धीरे धीरे आंदोलन बढ़ेगा, तो ऐसे में सरकार किसान विरोधी लगना नहीं चाहती। इतनी बड़ा 3 बड़े कानून लेकर के आई है, उसको पास करवाया है, और कल देखिए एक बहुत अहम बात है निधि कि कल प्रधानमंत्री ने साफ तो एक संकेत तो दे दिया कि ये तीनों जो कानून वापस नहीं होंगे। प्रधानमंत्री ने कल कहा कि किसानों को बरगलाने की कोशिश की गई है और पुरानी जो मंडियां है वो भी रहने वाली है। तो ऐसे में किसान, सरकार दबाव में है। 3 तारीख की जो बैठक थी 1 तारीख को हो गई है, और एक और लेवल की बैठक जो निधि अभी सरकार ने अपने कई कुछ सिक्के बचा के रखे हैं, अभी राजनाथ जी को आज लग रहा था कि आज बैठक में आने वाले हैं, वो नहीं आए हैं। अगर यहाँ से कुछ निकलेगा तो अगले दौर की जब बैठक होगी तो उसमें हो सकता है राजनाथ जी भी रहें, अमित शाह जी भी रहें। तो ऐसे में ऐसा नहीं कि सरकार ने सारे पत्ते अपने खोल दिए हैं आज बैठक में, सरकार के पास भी काफ़ी कुछ है। सरकार अभी देख रही है किसानों का रुख क्या है, और इन जो 32 नेता यहाँ पर आए इनके हाथ में क्या है, क्योंकि अभी 35 नेताओं से बात बहुत आगे बढ़ चुकी है निधि, बठिंडा, जलंधर, तमाम छोटे छोटे ग्रुप्स में लोग आ गए हैं वहाँ पर आकर के। तो अब ऐसा लगे कि ये 35 लोग डिसाइड कर लेंगे, किसान मान लेंगे, मुश्किल लगता है क्योंकि तैयारी सब उनकी ज्यादा की है, और यही वजह है कि बुराड़ी जाने को लेकर भी कई गुट बन गए थे। तो किसानों को भी जो 35 किसान संगठनों के लिए बड़ी चुनौती रहेगी, सारे किसानों को कैसे रखा जाए एक बैनर के तले, और सरकार को भी कि कैसे इस गतिरोध को जल्द से जल्द खत्म किया जाए। बिल्कुल, आप नजर बनाए रखें, आप और हिमांशु, और हमारे साथ मुकेश सिंगर भी मौजूद हैं। मुकेश, आप बताइए कहां पर मौजूद हैं और किसानों से उनका क्या क्या उम्मीद है उनकी इस बैठक से जो इस समय चल रही है? देखिए, मैं इस वक्त सिंघू बॉर्डर पर हूं, और यहां से जो किसान नेता हैं, जो 35 लोग गए हैं वो यहीं से गए हैं, लेकिन ये जो जीटी करनाल रोड है यहां पर हजारों की संख्या में किसान रोड पर बैठे हैं, शुक्रवार सुबह से यहां पर बैठे हुए हैं, और अभी भी आप देखें कि यहीं पर किसान जमे हुए हैं, और जो मीटिंग चल रही है, मीटिंग पर लगातार ये लोग नज़र बनाए हुए हैं कि आज मीटिंग में क्या कुछ होने वाला है। मैं कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करता हूं कि वो क्या चाह रहे हैं। अच्छा, आप बताइए कि आप कहां से आए हैं, आप कहां से आए हैं? तो करनाल से, डिस्ट्रिक्ट करनाल। ये बताइए कि जो अभी मीटिंग हो रही है सरकार के बीच में और किसान नेताओं के बीच में, आपको लगता है कि मीटिंग पॉजिटिव रहेगी? ये सरकार से निमानने वाली नहीं है, इसको बना के तो हम रहेंगे, इसको झुका के रहेंगे, लेकिन ये से ली झुकती तो नहीं, पर झुका के रहेंगे। जितनी सख्त है नहीं, उससे भी ज्यादा सख्त है, इससे भी ज्यादा सख्त होंगे।
महिलाएं भी हैं, उनसे हम बात करते हैं। आप मैडम कहाँ से आई हैं? आप जिला तरनतारन सील पट्टी। अच्छा, 6 रोज तो घर चले हैं। अच्छा, 3-4 रोज तो इतने आके बैठ गए हैं। अच्छा, हाँ मोदी की मकाने आए हैं। जो सरकार से बातचीत अभी चल रही है, जो सरकार से बातचीत चल रही है किसान नेताओं की, जो सरकार की बात चल रही है किसान नेताओं से, क्या आपको लगता है कि बातचीत में कुछ हल निकल पाएगा? गोंगलुआ तो मिट्टी झाड़ता, कोई बात नहीं साडे नाल कर रहा, साडा हक दो ते जावांगे, ना दो ते इत्थे सड़का ते साल साल वास्ते दो दो साल दा राशन लैके आए आ, कोई नहीं मकते नहीं ओदे बन के आए, अपना हक लेना है। आप बताइए कि आप कहां से आए सर? मैं जिला शहीद भगत सिंह नगर दुआबा पंजाब पिंड पहली। जे इन्हें काले कानून बनाए है ना पंजाब हरियाणा ते पूरा भारतवर्ष, आज इन्हां नूं सबक सिखाउण वास्ते दिल्ली दे विच आए हैं। जेड़ा ये कहिंदा कि समझ लो तुहानूं समझ नहीं है, मैं ये पुछना चाहना कि सारी समझ रब ने बीजेपी वाले ने दी, बाकी नलायक समझदा नहीं? बाकी भी सारे नूं समझ है, पर अज यह राज भाग दियां गल्लां करदे, किसे टाइम ते इन्हां को एक सीट भी नहीं सी, एक सीट जेड़ा ये जिते सानू ओदे बारे भी पता, ये एटीएम मशीनां दे विच इन्होंने हेराफेरी की है। अच्छा, ये बताइए कि सरकार से जो बातचीत चल रही है किसान नेताओं की, उस बातचीत में आपको क्या लगता है, बातचीत पॉजिटिव रहेगी? ओदे विच मैनू ऐ लगदा कि जेड़े भी साडे किसान विंग दे प्रधान है, जिन्ने भी लीडर गए हैं, वो बड़े ही समझदारी ना बड़े ही ध्यानदारी दे नाल जेड़ी ये गल करूगे ओदे नाल ये ठोका मैं जवाब दूंगे। दूसरा नंबर, अगर ये गल सिरे चढ़ जाती है बहुत चंगी गल है, इंसाफ लैन आए हैं, मिलना चाहिए। अगर नहीं चढ़ती तो फिर बैठे तो आप है गई हैं, तो फिर जे ये समझ लवे मोदी कि आप मुड़ने वाले हैं, नहीं हुण ये काले कानून रद्द करा के जावांगे, चाहे जो मर्जी वह कर ला चाहे फिर असी कर लीए, आप धोन से गोडा रख के जे वो चाहता कि अं तो मुगल नहीं बख्शे। जदों पिछला देश आजाद कराया 47 में, उदों भी मतलब ये दूजा नहीं कर अंग्रेजों का कराया, तो यह कि बाग की मूली है? जे कोई राज भाग देन जानता वो लैन भी जानते हैं जानी। तो बिल्कुल किसान यहाँ पर कह रहे हैं कि वो अपना हक लेकर जाएंगे, इसके लिए चाहे जितने भी दिन सड़कों पर बैठना पड़े वो बैठेंगे। तो यहाँ पर ये सिंघू बॉर्डर है, आप देखिए किसान यहाँ पर जमे हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं इस बात का कि आखिर जो मीटिंग होती है उसमें क्या कोई निकलता है। आप कहाँ से आए बताइए? मैं कैथल जिले से आया हूँ जी, मंजीत मेरा नाम है जी। हाँ जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप? जो ये काले कानून जो पास करे हैं, जो मोदी सरकार ने कर दिए, और उसके साथ में एक बात और कहना चाहूँगा, जो स्वामीनाथन रिपोर्ट है हम वो भी लागू करवा के जाएंगे, ठीक है। और जो आपने अभी सवाल किया था कि हमारे नेतागण जो वहाँ पे गए हुए हैं, ठीक है, हमारे नेतागण जो गए हैं वो बात करेंगे जो सही करेंगे, ये भी हमको यकीन है। लेकिन वो यहाँ के जब हमको बताएंगे, हमको पक्का प्रूफ मिलेगा, जब यकीन होगा, अगर वो भी हमारे साथ हमको यकीन होगा जब इस पूरी पब्लिक को, तो तभी वापस जाएंगे, नहीं तो हम यहीं बैठे हैं। और दूसरी बात, मोदी सरकार ने जो ये जवानों को और किसानों को लड़ाने का आपस में काम किया है, ये सामने जवान खड़े हैं, यहाँ किसान बैठे हैं आपके सामने खड़े हैं, यहाँ पे जो लड़ाने का काम करे है, इस मोदी सरकार को मैं बताना चाहता हूँ, अगली बार, ठीक है, हमने खुद भी प्रचार करा था, इसकी मोदी की लहर थी, ठीक है, मोदी मोदी हम खुद बोलते थे, मोदी आएगा, मोदी ये करेगा वो करेगा, लेकिन अगली बार मोदी साहब अपने बिहार में तो सरकार बना ली है, कोई बात नहीं बना ली, लेकिन अगर यहाँ घुसने की कोशिश कर दी है दोबारा, हरियाणा पंजाब में अगर कोशिश करी, तो यहाँ जूतों की माला से और काम करके अपशब्द मत बोलिए। तो ये तमाम किसान हैं जो यहाँ पर सरकार से खासी नाराज हैं और अभी फिलहाल इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि मीटिंग में क्या कुछ तय होता है, क्या कुछ निकलता है, और जब उनके नेता मीटिंग करके वहाँ से आएंगे, इनको बताएंगे कि क्या कुछ हुआ है, उसके बाद ये आगे की रणनीति तय करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल मुकेश, इस बातचीत के लिए धन्यवाद। और आपने एक महिला किसान से भी बात कराई, इसका भी, क्योंकि अखबारों में जानकारियां आ रही हैं कि महिला किसान भी पहुंची हुई हैं, वो भी अपने हक की बात कर रही हैं, और आपने उनसे एक में से बात भी की। और जिस तरह से सौरभ ने हमें बताया कि सरकार ने भी अभी अपने पत्ते नहीं खोले, सरकार भी पूरी तरह से, अभी आज का एक दिन है, पहला दौर माना जाए, किसानों की कामयाबी है कि आज सरकार अब पहले आई है बातचीत करने के लिए, लेकिन अब धीरे धीरे देखेंगे क्या निकल कर आता है इस बैठक का। एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद आपको जो राजस्थान के किसान हैं उनका क्या कहना है, उनसे बात की हमारी सहयोगी हर्षा ने, वो बातचीत सुनवाएंगे।
किसानों की बात करें, अब राजस्थान के किसान का जिक्र आपको बता दें, राजस्थान में 70% खेती बारिश पर निर्भर है। हालांकि राज्य की जीडीपी का कुल 25% हिस्सा कृषि से आता है, घटते हुए भूजल की वजह से राजस्थान में खेती घाटे का सौदा बन चुकी है। जयपुर से बाहर किसानों का कहना है कि नए कृषि कानून से उन पर असर नहीं पड़ता, क्योंकि जमीन की घटती हिस्सेदारी और भूजल के घटते स्तर से उनके पास इतना अनाज होता ही नहीं कि बाजार में बेच सकें। शायद इसीलिए राजस्थान के किसान देशभर में चल रहे आंदोलन का ज्यादा हिस्सा नहीं है। हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह ने कुछ किसानों से बातचीत की है। कृषि कानून को लेकर किसान हर जगह उत्तेजित हैं, लेकिन राजस्थान में क्या समस्या है और क्या सोचते हैं किसान? हम नटाटा गांव में हैं और पहले बात करते हैं रामपाल जी से। रामपाल जी, ये बताइए कि आज किसान बहुत उत्तेजित है, दिल्ली कूच कर रहा है, कृषि कानून को लेकर उत्तेजित है, लेकिन राजस्थान का जो किसान है उसकी क्या समस्या है और उसकी क्या सोच है? आप जो पैदा करते हो, जो गेहूं बाजरा लगाते हो, क्या आप मंडी में जाते हो उसको बेचने? बना हुआ है, क्या बेचेगी मंडी? हाँ। पैदा ही नहीं होती है। हाँ, क्यों नहीं होती पैदा? अब ये तो क्या पता, पानी नहीं है, बरसात नहीं होती है। वो दूसरे राजस्थान तो बहुत लंबी है, सबसू जयपुर जिला पीछे पड़ रहा है। जयपुर में कोई लेना देना नहीं है पैदावारी का, पानी का कुछ भी लेना देना नहीं है जयपुर जिला में। और बाहर राजस्थान का तो बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा, कहीं पानी की नहरा चलती है, पर यहाँ पानी नहीं है। अच्छा, पहले आप जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, आपकी उम्र क्या होगी? हमारी उम्र होगी 70 साल की। ठीक है, तो अगर हम सोचे कि आप 10-20 साल के जब आप थे, तब इस गांव में पानी था? 20-30-40 साल होगा सूखा। 40 साल में न तो बरसात होती है, जिनने 150 फुट वाले बोरिंग होता था तो आज जी 1000 फुट वाले पानी नहीं आता है। तो ऐसे लोग बहुत परेशान है। हाँ। जयपुर जिला में तो सबसू पीछे जयपुर जिला है, सबसू गरीब जयपुर जिला मान के चलो। तो इसका मतलब किसान गरीब होता जा रहा है धीरे धीरे, एक समय में जो है। हाँ? ये बात है। हाँ। बहुत धीरे धीरे होता है पानी, मतलब एक भी कोई जमीन को नहीं। हाँ। और खराब हो रहा कोई आपका नाम बताना? अरबाज। और आपका नाम? सोनलाल। सोनलाल जी, ये बताओ कि अभी किसान की अब क्या समस्या है? जैसे एक समय में 100 बकरी 150 बकरी रखता था, 100 बीघा जमीन थी, अब क्या हो गया? 2 बकरी को दना सका। हाँ। और 2 भैंस को दना सका, एक भी तसाया मरती पानी की ओड़ी से। हाँ। और पैदा हो बाद में 10 शेर 5 शेर भी कोई समझा, मैं बेचा लगा की तो मतलब मंडी में जाना नहीं जाना कोई मतलब नहीं है? नहीं जाना ही नहीं मेरे को, कहीं जाऊँ अब अली बात से साहब, बाकी मैं दुखी बहुत दुखी। हाँ कालूराम जी, अब जैसे ये कह रहे हैं कि मंडी में जाने से कोई मतलब नहीं है क्योंकि इतनी पैदावार ही नहीं है ना? घर पैदा ही नहीं है, पानी में आपका कुछ पैदा नहीं, बिगड़ बिगड़ जमीन पड़ी जाएंगे, कहीं सारा ही नहीं, बोझे सारा सारा नहीं। अब गरीब बाढ़ बादशाह मर रहे तो कोई सारा नहीं है, कोई सुना ही कोई नहीं, कोई 11,000 फुट बोर बटा दिया, लूट लूट तहाँ साझा लूट लूट पैसा कौन सी मैं चलता तुम्हें किराया भी पूरा होता चलता ब्याज भी पूरा होता चलता बहुत बड़ी हान चीज है। तो जैसे यहाँ राजस्थान में अधिकतर जो 70% खेती है वो बारिश पर निर्भर करती है, और ज्यादातर जो किसान है वो एक समय की ही फसल निकालते हैं, जिनकी सिंचित जमीन है वही ज्यादा फसल निकालते हैं। लेकिन जहाँ जैसे यहाँ पर बातचीत में बात सामने आ रही है कि कृषि कानून का कोई असर उन पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो खेती है वो इतनी उसमें कोई फायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं है, और जो भी बाजरा या गेहूं होता है उसकी खपत घर में ही हो जाती है। तो इसलिए एक अलग नजरिया है कृषि कानून को लेकर यहाँ राजस्थान से। हम नटाटा गाँव में है जो जयपुर के बाहर ही है। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, NDTV इंडिया के लिए।
तो दिल्ली में कल कोरोना के आरटीपीसीआर टेस्ट की जो संख्या रैपिड एंटीजन टेस्ट से ज्यादा हो गई, 22 जून के बाद पहली बार ऐसा हुआ है। लेकिन हमारे सहयोगी जो शरद शर्मा है, उनका कहना है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 30 नवंबर तक दिल्ली में आरटीपीसीआर टेस्ट की रोजाना संख्या 60,000 तक करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन ये लक्ष्य तो हासिल हो ही नहीं सका। बल्कि लोग शिकायत ये भी कर रहे हैं कि उनकी जो टेस्ट रिपोर्ट है आने में 5 से 7 दिन लग रहे हैं। कोशिश करेंगे अपने सहयोगी शरद शर्मा से बात करने की और शरद से जानने की। हम सब जानते हैं कि दिल्ली में जो कोरोना है वो चिंताजनक स्थिति में बनी हुई है, आंकड़े कहते हैं कि कुछ हालात संभल भी रहे हैं। शरद, आप हमारे साथ मौजूद हैं, आप तो जो ये आंकड़े आए हैं और जो टेस्ट की संख्या है, उस लिहाज से क्या आंकलन है आपका दिल्ली में कोरोना के मद्देनजर? देखिए, ये तो साफ दिखाई दे रहा है कि दिल्ली में पिछले कुछ दिनों में जो आरटीपीसीआर टेस्ट है उसकी संख्या बढ़ी भी है, और उसकी वजह से जो अब आंकड़े हैं, चाहे वो संक्रमितों के आंकड़े हों, चाहे वो लोगों के ठीक होने के आंकड़े हों, सारे ही जो है पहले से ज्यादा विश्वसनीय लगते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा क्रेडिबल टेस्ट होता है आरटीपीसीआर। लेकिन जितना ज्यादा जरूरी है आरटीपीसीआर टेस्ट होना, उतना ही ज्यादा जरूरी है कि इन जो टेस्ट, ये जो टेस्ट हो रहे हैं, इनकी रिपोर्ट भी जल्दी आए। बहुत से लोग ऐसे इस समय मिल रहे हैं जो ये शिकायत कर रहे हैं कि उनकी जो कोरोना रिपोर्ट है, आरटीपीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट है, उसको आने में 5 से 7 दिन लग जा रहे हैं। अब ये सोच के देखिए, अगर कोई अपना आरटीपीसीआर टेस्ट कराता है तो पहले तो जब तक रिपोर्ट नहीं आती वो आशंकित रहता है कि कहीं वो संक्रमित तो नहीं हो गया, और अगर संक्रमित हो गया तो उसको कैसे आगे के अरेंजमेंट्स करने होंगे। और यही नहीं, जब वो संक्रमित, अगर मान लीजिए जिसने टेस्ट कराया है वो संक्रमित है, तो जब तक टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आती उतनी देर तक वो समाज में संक्रमण फैला सकता है। तो जहां दिल्ली सरकार ये कह रही है कि हमने केंद्र के कहने पर टेस्टिंग बढ़ा दी, लेकिन जितने सैंपल लिए जा रहे हैं उतना टेस्टिंग नहीं हो पा रहा, क्योंकि केंद्र ने जो सहयोग कहा था वो नहीं मिल पाया है। वहीं केंद्र सरकार कह रही है कि ऐसा कहना सही नहीं है, हमने पूरा सहयोग किया है और दिल्ली सरकार से हमें पूरा सहयोग मिल रहा है। तो दोनों में सही कौन कह रहा है, ये तो दोनों आपस में बैठ कर तय कर लें, लेकिन ये सही है कि टेस्टिंग बढ़ी है। ये भी सही है कि लोगों के जो आरटीपीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट है वो 5 से 7 दिन लग जा रहे हैं, जबकि 24 से 48 घंटे के अंदर आरटीपीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट मिल जानी चाहिए, वरना कोई फायदा नहीं होगा ऐसे टेस्ट का। बिल्कुल, ये बहुत अहम है जो आप बात कह रहे हैं कि जो रिपोर्ट है उसको 5 से 7 दिन लग रहे हैं आने में, और ऐसे में जो व्यक्ति अगर घूम रहा है समाज में तो उससे और फैल सकता है। दूसरी बात ये भी मैं समझना चाह रही थी, जो एक तरह से एक समय भयावह स्थिति बन गई थी दिल्ली में कोरोना की, अब क्या आकलन है शरद, क्या डॉक्टर्स कह रहे हैं? क्योंकि आंकड़े जो है वो तो देर रात को आते हैं, तो इस समय आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं, तो उस लिहाज से क्या स्थिति? पहले के मुकाबले बहुत अच्छी स्थिति दिल्ली के अंदर हो गई है, और ये अच्छी इसलिए भी पुख्ता तौर पर कही जा सकती है क्योंकि जो टेस्टिंग हो रही है वो उसमें अब लगभग 22 जून के बाद पहली बार लगा ऐसा हुआ है कि जो आरटीपीसीआर टेस्ट हैं उनकी संख्या जो है एंटीजन से ज्यादा हो गई है। मैं आपको बताऊं कि जून के महीने में जैसे शरद माफी चाहती हूं, आपको रोक रही हूं, किसान कुछ बोल रहे हैं, हमें वहां पे जाना पड़ रहा है, सीधे चलते हैं, क्या देखते हैं बोल रहे हैं? 2-3 घंटे बात चली है, सरकार ऐसे करते रही है कि छोटी कमेटी बनाओ, अब चर्चा करते रहेंगे, आंदोलन वापस लाओ। एक गल रद्द हुई है कि आंदोलन लगातार जारी रहूगा। असि आपकी जथेबंदी की तरफ कहना चाहते हैं कि सरकार ने की देना है कि यह चर्चा कर करके लंबा समा करके जो लोग फंसे बैठे है, दिल्ली के लोगों को कि समस्या हुई खड़ी है, किन्ने किन्ने लोग फंसे खड़े हैं इस घरों में, उन्होंने होर तकलीफ देनी है, यदि कोई परवाह नहीं सरकार ने, जिनी मर्जी तकलीफ हो, चर्चा करते रहना है, मसला नहीं हल करना, ये सरकार की नीयत है। अंदर बाजी च कोई नहीं हो रहे, सारे आ रहे हैं। अगली मुक्त थी ये बात, सरकार ने यह कहा कि आप जारी रखांगे, परसों फिर बैठेंगे, हाँ बैठोगे परसों फिर, निबेड़ना नहीं करेंगे चर्चा ही, निबेड़ने की बात नहीं। ये निबेड़ना होता तो जो बड़ा 13 तारीख को वार्ता हुई, चर्चा तो उसमें बहुत हो बात सुनिए, चर्चा उसमें बहुत हो गई सी। सरकार जे निबेड़ना चाहती तो सरकार नु प्रपोजल देनी चाहिए सारी जथेबंदे नु, इस मसले का सीधा हल कर दे। कमेटी कोई कमेटी नहीं बनेगी, कोई कमेटी बनाने लिए सहमति नहीं है, आंदोलन जारी रहेगा, ये आंदोलन जारी रहेगा, सरकार तो कुछ लेके जाएंगे,
सरकार गोलियां दे, सरकार चाहे शांति चाहती है तो लोगों का मसला हल करे। आएंगे दोबारा, सानू नहीं लगता कि अमित शाह आएंगे। जे मकाना हो राजा हो सरकार दा, फिर प्रधानमंत्री भी आ सकते है। अज यह खेतीबाड़ी मंत्री सी, एक रेल मंत्री सी, एक पंजाब से जेडे आए हुए है सोम प्रकाश है, ये मंत्री सी। जो ये बैठक चल रही है, 3.5 घंटे चली विज्ञान भवन में, और किसानों के 35 नुमाइंदे थे। हम देख सकते हैं एक दो किसान नेता बाहर निकल कर आए हैं। 3 घंटे बात का जवाब यही से सरकार पासों, बहुत ही बात जी की है खेतीबाड़ी मंत्री ने की है कि यह पहला अपना हल बनता छोटी कमेटी बनाओ, अंदोलन वापस लो, जिदा मतलब है कि सरकार मसला हल करना नहीं चाहती, सिर्फ चर्चा करना। किसान नेता को हम सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई 3.5 घंटे हो गए और सरकार समिति बनाने की बात कर रही है। इनका कहना है कि सरकार हल नहीं निकालती हुई दिख रही है। हालांकि हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर ने एक जानकारी ये भी भेजी है कि 3 दिसंबर को दोबारा बातचीत हो सकती है, लेकिन फिलहाल जो किसान है, अभी ये बैठक चल रही है, 2 नुमाइंदे ये बाहर आए हैं और इनका रोष हम सुन सकते हैं कि ये अभी फिलहाल खासे नाराज नजर आ रहे हैं। इनका यही कहना है कि अभी सरकार हल निकालने के मूड में नहीं दिख रही है, इनका ये कहना है। बहरहाल देखना होगा कब ये बैठक समाप्त होती है और सरकार की तरफ से और जो किसानों के नुमाइंदे बाहर निकल कर आते हैं वो क्या कहते हैं। एक छोटा सा ब्रेक। तो आपको बता दें, विज्ञान भवन से इस समय खबर ये आ रही है कि जो 35 नुमाइंदे थे किसानों के, उनकी सरकार के प्रतिनिधियों से बातचीत हो रही है। ये सुन लेते हैं। हम यूनानिमसली रखा कि भाई हमारा कोई एजेंडा नहीं है, एक एजेंडा, 3 कानून वापस लो, इलेक्ट्रिसिटी डबल। एक तो उसमें चर्चा हुआ, बोला वापस लेने में प्रॉब्लम है तो कैसे लिया जाए, हम तो ऑर्डिनेंस करके बंद रखो, इम्प्लीमेंटेशन बंद रखो। आज किसान यूनियन के नेतागण आए थे और भारत सरकार ने 3रे दौर की वार्ता आज संपन्न की। वार्ता काफी ठीक रही और एक दूसरे के प्रति काफी समझ बनी है और हम सब लोगों ने यह तय किया है कि अब परसों वार्ता का 4था चरण शुरू होगा और परसों तक ये लोग भी इशू अपने लेकर आएंगे और उन पर बिंदुवार फिर चर्चा की जाएगी। नहीं, सामान्य तौर पर हम सब लोग चाहते थे कि एक छोटा ग्रुप बने, लेकिन सभी यूनियंस का कहना यह था कि सब लोग एक साथ मिलकर बात करेंगे तो सरकार को सबसे मिलकर बात करने में भी कोई आपत्ति नहीं। तो देख सकते हैं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, इनका ये कहना है कि अब परसों बातचीत फिर होगी 4थे दौर की। एक तरह से आश्वासन दे रहे हैं कि एक बार इस बातचीत से अब जो 4थे दौर की हल कोई निकलेगा। हालांकि ये बैठक 3.5 घंटे तक चली है और इसमें जो पहले जो किसान नेता जो बाहर निकल कर आए, उन्होंने कहा है कि सरकार की मंशा नहीं लग रही कि वो हल निकालना चाह रही है। बहरहाल अब कृषि मंत्री का ये कहना है कि अब एक और मौका होगा, परसों 4थे दौर की बातचीत होगी और तब देखना होगा कि क्या हल निकलता है। बहरहाल किसानों का आंदोलन जो है वो जारी रहेगा। और आइए आगे बढ़ते हैं और आपको हम सीधे अब खबर दिखा रहे हैं महाराष्ट्र से जो आ रही है। कोरोना और लॉकडाउन की वजह से जहां कई लोगों की नौकरी को हाथ धोना पड़ा है लोगों को, अब छात्रों भी नौकरी नहीं मिलने से परेशानियों से जूझ रहे हैं। कई ऐसे ग्रेजुएट्स भी हैं जो इस समय चाय बेच रहे हैं। आइए देखते हैं रिपोर्ट क्या कहती है। बीएससी आईटी में ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद विकी पालकर ने कई जगहों पर काम ढूंढा, लेकिन कहीं बात नहीं बनी। इसके बाद उन्होंने अपने दूसरे साथियों के साथ मिलकर मुंबई के तिलक नगर स्टेशन के पास चाय की एक छोटी सी दुकान खोली। इस दुकान में उनका साथ निसर्ग जाधव दे रहे हैं जो खुद बीएमएम ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से सबको प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं किसी को, वैसे हमको भी प्रॉब्लम आई, बहुत आई। तो अभी घर पे तो पैसों का यही टेंशन, इसकी वजह से छोटा ही अभी खोला है हमने हमारे बजट में। यही हाल होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई कर चुके राम चौधरी का है। मार्च महीने तक राम अमेरिका के एक क्रूज में काम किया करते थे, लेकिन लॉकडाउन के बाद सब कुछ बंद है।
इन्होंने भारत में भी कई बड़े बड़े होटलों में काम ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिलने के बाद अब उन्होंने अपना एक फ्रैंकी और सैंडविच का दुकान खोल दिया। मैंने अप्लाई किया था, उनका सैलरी जो पैकेज है वो बहुत कम था, और अकॉर्डिंग में जहाँ पे मैंने काम किया था मैं सुपरवाइजरी लेवल पे था, ठीक है, लेकिन मैं अभी जो अप्लाई करूँगा उनके पास जो पोजीशन है मेरे को चाहिए वो नहीं थी। इससे अच्छा मैं अपना कुछ स्टार्ट करूँ, इससे कुछ इनकम आएगा, वो मेरे पे रहेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी मेरी रहेगी, इससे अच्छा तो मैं अपना इसलिए एक प्लान किया मैंने। लॉकडाउन और कोरोना का असर आम आदमी के जेब पर पड़ता नजर आ रहा है। CMI के रिपोर्ट के अनुसार लॉकडाउन से पहले तक 30-35% लोगों ने माना कि पिछले साल की तुलना में उनकी कमाई में बढ़ोतरी हुई है। अब लॉकडाउन के बाद अब केवल 5.4% लोगों के कमाई में बढ़ोतरी हुई है। वहीं 49.8% लोगों के वेतन में कटौती होने की बात सामने आई है। 44.7% लोगों के वेतन में कोई बदलाव नहीं हुआ। लॉकडाउन से पहले यह आंकड़ा 39% था। नौकरी नहीं मिलने की वजह से जहां कुछ लोगों ने खुद का व्यवसाय शुरू किया, तो वहीं हजारों लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसे नहीं होने की वजह से वो खुद का व्यवसाय भी शुरू नहीं कर सकते। ऐसे में ज़रूरत है कि सरकार जल्द से जल्द रोज़गार के लिए कुछ कदम उठाए, ताकि इन लोगों की जो परेशानी लॉकडाउन से बढ़ी है उसमें उन्हें कुछ राहत मिल सके। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, NDTV इंडिया। तो इस खबर के साथ देश की बात में आज के लिए इतना ही। आगे आप देख सकते हैं न्यूज़ 360। नमस्कार।